नमस्कार, न्यूज फॉर इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वन ओशन समिट को संबोधित किया। वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय खंड को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं महासागर के लिए इस महत्वपूर्ण वैश्विक पहल के लिए राष्ट्रपति मैक्रों को बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की सभ्यता हमेशा से समुद्र से जुड़ी सभ्यता रही है। आज हमारी सुरक्षा और समृद्धि महासागरों से जुड़ी हुई है। भारत की पहल इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव का प्रमुख स्तंभ समुद्री संसाधन है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने हाल ही में तटीय क्षेत्रों से प्लास्टिक और कचरे को साफ करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान चलाया है, जिसमें युवाओं ने 13 टन प्लास्टिक कचरा एकत्र किया। माय फ्रेंड President Macron, Excellencies, Namaskar. I congratulate President Macron on this important global initiative for oceans. India has always been a maritime civilization. Our ancient scriptures and literature talk about the gifts of the oceans, including marine life. Today, our security and prosperity are linked to oceans. India's Indo-Pacific Ocean Initiative contains marine resources as a key pillar. India supports the French initiative of a high ambition coalition on biodiversity beyond national jurisdiction. We hope for a legally binding international treaty this year. India is committed to eliminating single-use plastic. वहीं संभल में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विरोधियों पर जमकर हमला किया। उनके निशाने पर प्रमुख रूप से समाजवादी पार्टी रही। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के कार्यकाल की याद दिलाते हुए कहा कि 2017 से 2022 तक तो योगी के काम का ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि बड़े गुंडों का इलाज हो गया, उनके साथ ही कुछ छोटे गुंडे रह गए हैं, उनका इलाज किया जाएगा। गुंडे गुर्गे बकरे बनाए जाएंगे। पहले चरण में बीजेपी 51 सीट जीत रही है, ऐसा उन्होंने संभल में कहा। एक बड़ा से बड़ा गुंडा, बड़ा से बड़ा अपराधी, बड़ा से बड़ा भूमाफिया, बड़ा से बड़ा दंगाई, बड़ा से बड़ा अपहरणकर्ता आप भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को खिला करके जो हमें ताकत दोगे। अभी तो बड़े बड़े मुर्गों को अंदर किया गया है, अभी उनके बहुत सारे ऐसे अंदर बचे हुए बचे हैं कि नहीं बचे हैं, उन सबको अंदर करने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है। आप केवल कमल खिला दो। आप ध्यान रखना, 10 मार्च के बाद जो बड़े बड़े गुंडे हैं वो तो जेल के अंदर गए ही हैं। जो गांव गली में अभी कुछ लोगों को धमकाते हैं, अभी समाज चुनाव हुआ है, अभी कल का मतदान हुआ है। तो वहीं इसके बाद मुरादाबाद में भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी रितेश कुमार गुप्ता के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। इस दौरान सपा बसपा पर यहां भी वो जमकर बरसे। उनके प्रत्याशी की जमानत जब्त करने की बीजेपी के समर्थकों से अपील की। बीजेपी की उपलब्धि गिनाते हुए उन्होंने कहा कि पहले बिजली बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन अब 24 घंटे बिजली आती है। आज मैं जब पीतल नगरी के नाम से पूरे संसार में विदित मुरादाबाद में अपने छोटे भाई श्री रितेश गुप्ता जी के समर्थन में यहाँ पर आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आपने 2017 से भी अधिक
कमल खिलाने का संकल्प केवल इस सभा में दिखा दिया। इसलिए मैं आप सब पर बहुत हृदय से भरोसा करते हूँ, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूँ। मंच पर हमारे महानगर के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी, हमारे इस शहर के महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, महानगर के प्रभारी प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री वाईपी सिंह जी, हमारे दिल्ली से प्रवासी दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान अशोक गोयल जी, नगर विधानसभा के प्रभारी श्री मोहनलाल सैनी जी, हमारे विधानसभा परिषद के दोनों सदस्य साथी और पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर जयपाल सिंह बैस्त जी, श्री गोपाल अंजान जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष डॉक्टर सैफाली सिंह जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री गिरीश वर्मा जी, एससी एसटी आयोग की सदस्य सत्यव्रता प्रधान जी, नगर विधानसभा के संयोजक श्री संजय शर्मा जी, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष के रूप में श्रीमती मिथिलेश रानी जी, और जो इस चुनाव के मुख्य अभिकर्ता हैं चीफ इलेक्शन एजेंट श्री उत्तम पाल जी, और यहां मंच पर उपस्थित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, यहां मेरे सभी पार्षदगण, सभी मेरे यहां उपस्थित बूथ से लेकर के शक्ति केंद्र से लेकर के मंडल से लेकर के महानगर और जिले तक के सभी मेरे कार्यकर्ता साथियों, यहां पे उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्ग जो मेरे पिता के समान हैं, मेरी पूज्य माताओं बहनों, मैं आप सबके यहीं से चरण छू करके आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आप सबसे 14 तारीख कमल खिलाने की पुरजोर अपील करने के लिए आया हूं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री और जिलाध्यक्ष सचिन चौरसिया की अगुवाई में व्यापारी कुशीनगर में बीजेपी नेता आरपीएन सिंह से मिले हैं। बीजेपी में शामिल होने पर उन्हें माला और बुके देकर सम्मानित किया गया। व्यापारियों ने नगर में जर्जर तार और पोल से होने वाले फॉल्ट और दुर्घटनाओं की आशंका के बारे में बताया। इसके अलावा रेलवे क्रॉसिंग पर जाम से निजात दिलाने के लिए अंडरपास बनवाने के लिए पहल करने की मांग की। इस दौरान आरपीएन सिंह ने हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है। शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर काफी गहमा गहमी रही। सपा, बसपा, कांग्रेस और बीजेपी के कई बचे हुए प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। नामांकन करने वालों में शोहरतगढ़ विधानसभा से अपना दल और बीजेपी से गठबंधन प्रत्याशी विनय वर्मा और इसी गठबंधन से 2017 में निर्वाचित विधायक अमर सिंह चौधरी ने आजाद समाज पार्टी से अपना नामांकन किया है, जबकि बांसी विधानसभा से नवीन उर्फ मोनू दुबे, कपिलवस्तु से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र उर्फ गुड्डू प्रमुख रहे। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए शोहरतगढ़ से अपना दल बीजेपी गठबंधन प्रत्याशी विनय वर्मा ने कहा कि इस बार भी जीत उन्हीं की पार्टी और उनकी होगी। उन्होंने कहा कि अभी उनकी लड़ाई में कोई नहीं है, उनकी जीत सुनिश्चित है। वहीं पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह ने कहा कि इस बार भी क्षेत्र की जनता उनको चुनाव जिताकर विधानसभा भेजेगी। मुद्दा जो आप लोग बोलेंगे उस मुद्दे को पूरा करूंगा, मुझे तो सारे मुद्दे को ही पूरा करना है। और मुझे 5 साल के अंदर मैं ऐसा कहूंगा ये लोग मुझे जीवन भर अपना लें और मुझे छोड़े ना, वो रोड हो, वो शिक्षा हो, वो कोई भी चीज़ होगा वो आप लोग खुद बोलें, जो मेरी जनता हो मेरे लोग बोलेंगे, मैं अपने लोगों का सम्मान नहीं खोने दूंगा। यकीन मैं दिलाऊंगा, पहले मैं अपने लोगों जो रूठे हुए हैं उनको मनाऊंगा, आज पूरा रात यही चलेगा, उनको उनके साथ मैं जनता के बीच में जाऊंगा। आज जैसे अपना दल प्रत्याशी हूँ मैं, फिर भाजपा का गठबंधन, निषाद का गठबंधन, ये सब लोग सपोर्टर और सब मिलजुल के मेरे को आगे पहुँचाएंगे और जब बढ़ाएंगे तो मैं आपसे विश्वास करता हूँ इसी 5 साल में आप, और हर साल को मैं आपको रिपोर्ट दूंगा, जनता कितनी खुश है कितनी नाराज है ये आप तय करेंगे। जनता का मुद्दा तो आप जानते हैं, चौथे स्तंभ से रहे हैं कि मैंने अपने 17 से लेकर 22 के कार्यकाल में तमाम मुद्दों पर सरकार में रहते हुए भी मैंने उठाया है, आप सब अवगत भी हैं। कुछ चीज़ें हल हुई हैं, कुछ और हल होनी है। अब की बार उसी मुद्दों को जो बाकी रह गए हैं, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, सिंचाई का मुद्दा हो, नौजवान का मुद्दा हो,
तो उसको लेकर के तो हम ही हैं, हमको जानकारी है। अब की बार फिर सोहतगढ़ की आवाम ने अगर मौका दिया। वहीं प्रतापगढ़ में राजा अनिल प्रताप सिंह ने अपना नामांकन पर्चा वापस ले लिया है। अब वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने बीते 8 फरवरी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया था। इस दौरान उनका कहना था कि हाईकमान से टिकट की उम्मीद के कारण उन्होंने नामांकन किया था। अब वो चुनाव में बीजेपी का प्रचार करेंगे, साथ ही यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हाथ मजबूत करेंगे। नामांकन इसलिए करना पड़ा था क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि शायद मुझे भी मिल जाए सिंबल। हाँ। नहीं हुआ। हाँ। मैंने नामांकन दाखिल किया, लेकिन जहां पार्टी के हित की बात है, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है, उनको मजबूत करने के लिए मैंने पार्टी हित में मैंने वापस किया। सर, क्या आप पार्टी के लिए आप प्रचार प्रसार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, अगर पार्टी छोटी छोटी है, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, भारतीय जनता पार्टी में। वहीं चंदौली के सकलडीहा और चकिया विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सिटिंग विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव और जितेंद्र कुमार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन किया। नामांकन से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। चकिया विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सकलडीहा से प्रभु नारायण सिंह यादव और चकिया से पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार को पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया। घोषणा होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। समर्थकों के भारी हुजूम के साथ समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर पहुंचे, वहां से सादगीपूर्ण ढंग से नामांकन करने के लिए प्रस्तावकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। सकलडीहा के सिटिंग विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी के दिन लद गए हैं और समाजवादी पार्टी का पश्चिम से शुरुआत हो गई है और पूरब आते आते अंतिम चरण में बीजेपी का अंत हो जाएगा। विकास विहीन पार्टी को जनता हराने के मूड में है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। आज तो भाई हम लोग नामांकन इसलिए किए कि जो इस प्रदेश में जो तानाशाही सरकार है, जिनकी गलत नीतियों के कारण पूरा प्रदेश जनता परेशान है, तो हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए, सरकार से मुक्ति के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए आज नामांकन किए हैं। पहले आप बसपा में रहे थे, सपा को भी पूछते थे, आज सपा में शामिल हुए, क्या कारण? देखिए, ये विचारधारा की लड़ाई है और आज अम्बेडकरवाद और लोहियावाद दोनों एक साथ चल गए हैं। समाजवादी पार्टी के आपके विधानसभा क्षेत्र में पैदल चलने लायक सड़कें नहीं हैं, आप बिसाइकिल कैसे चलेंगे? यही तो मजबूरी, जब सरकार बनाएंगे तो सड़कें साइकिल चलने लायक हो जाए। आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे विधायक? चुनावी 90 क्षेत्र का विकास, सरकार ने एक भी विकास काम नहीं किया। कागज में इनका विकास रहा, सड़कें एक भी नहीं है जो आदमी पैदल चल सके साधन से। तो अलग आपके विधानसभा में किससे लड़ाई है, किस पार्टी से? कोई लड़ाई नहीं। वही जौनपुर में दिन दहाड़े शारदा टीवीएस शोरूम में बाइक सर्विस कराने आए युवक की दबंगई और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस दौरान युवक कमर में लगी पिस्टल दिखाते हुए कर्मचारी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। चुनाव को लेकर जहां जिले में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि युवक के पास से असलहा कहां से आया। मामला लाइन बाजार थाना क्षेत्र का है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जौनपुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर युवक की दबंगई का वीडियो सामने आया है। युवक अपनी कमर पर लगी हुई पिस्टल को दिखाते हुए नजर आया और साथ ही साथ दबंगई करती। ये तस्वीरें खुद ब खुद बताती हैं कि आचार संहिता के बीच इस तरीके की गुंडई का वीडियो आना क्या कुछ कहता है। तो कर्मचारी को जान से मारने की भी धमकी दी गई है और ये जौनपुर का वीडियो जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो जौनपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। ये गुंडई का एक वीडियो
जो कि अब जौनपुर से लेकर पूरे प्रदेश में फैल चुका है और यहाँ पर एक युवक की गुंडई देखने को मिली है, बदमाशी देखने को मिली है। आपको बता दें कि जहाँ एक तरफ आचार संहिता लागू है उसके बीच इस तरीके की बदमाशी की तस्वीरें सामने आई हैं। ये दिन दहाड़े शारदा टीवीएस शोरूम का मामला है जहाँ बाइक सर्विस कराने आया था एक युवक, उसने दबंगई की है। दबंगई और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस युवक की कमर में लगी हुई पिस्टल को देखिए, ये युवक अपनी कमर में लगी हुई पिस्टल को दिखाते हुए कर्मचारी को जान से मारने की धमकी देता हुआ नजर आया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि युवक के पास असलाह कहां से आया जब आचार संहिता लागू है। यह बड़ा सवाल है अपने आप में कि आचार संहिता लागू है, ऐसे में युवक के पास असलाह कहां से आया और वो असलाह दिखाते हुए कर्मचारी को जान से मारने की धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। यह जौनपुर का वीडियो आपको दिखा रहे हैं जो कि अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। वहीं ग्रेटर नोएडा में रोड किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हत्या का शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। मृतक के सिर पर चोट के निशान हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मामला सूरजपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ग्रेटर नोएडा से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।